अस्सलाम वालेकुम ब्राइट फैमिली, सो दिस साइड ताविंदा अंजुम, होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज फिर नेक्स्ट संडे है और मैं हाजिर हूँ अपने न्यू ब्लॉग के साथ। आप सोच रहे होंगे बड़ी तैयार शैयार मिल रही हूँ, तो हाँ मैं तैयार शैयार हुई हूँ, इस वजह से तैयार शैयार मिल रही हूँ क्योंकि आज मेरा मन करता था सुबह सुबह तैयार होने का, इसीलिए। सो चलिए देखते हैं कि आज पूरे दिन हम क्या करेंगे। जैसे कि मैं आपको ब्लॉग सिखाती हूँ अपना डेली, एंड आप बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं इसलिए मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको नहीं करती कंटिन्यू। बट थैंक यू सो मच, मैं आपको सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि मेरे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे होने पर आप लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। एंड दूसरी चीज़ ये कि जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर करके शेयर कर करके मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स करा दीजिए। वैसे मेरा ऐसा कोई टारगेट तो नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल भी है। एंड मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं डेली क्या कंटेंट लूँ, बट क्यों कोई ना कोई मुझे संडे टू संडे बनाना है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं संडे टू संडे कंटेंट लाऊंगी, वो मैं कहीं से भी लेकर आऊँ बट मैं लेकर आती हूँ। सो जस्ट कीप सपोर्टिंग टू मी एंड होपफुली आज हम जहाँ भी जाएंगे, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता होता मैं कहाँ जा रही हूँ एग्जैक्टली, बस मेरा प्लान बन जाता है। एंड मैं पब्लिक प्लेसेस पर ज़्यादा ऐसे बर्बर नहीं बोल पाती हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी हैबिट नहीं है उसकी, बट कोई नहीं, मैं कोशिश कर लेती हूँ, हो जाता है, अपना काम बन जाता है, व्लॉग आ जाता है और आप उसको पसंद कर लेते हैं बस। ठीक है, सो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं तब तक। तो फिलहाल अभी मैं ये खाने जा रही हूँ मेरी गोल्ड का बिस्किट। आज मैं सुबह की शुरुआत इसी से कर रही हूँ क्योंकि मेरा चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है अभी। एंड दूसरी चीज़ ये मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें शुगर जो होती है वो काफ़ी लो होती है और इसमें जो किलो कैलोरीज होती है, मैं जो खाती हूँ ना कैलोरीज रहती हैं, इसका चार्ट है, आपको पता नहीं शो हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, कैलोरीज भी इसमें अच्छी खासी रहती है, तो मुझे तो कैलोरीज ठीक ही ठाक चाहिए तो इस वजह से मैं खाती हूँ। संडे का दिन था तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया जाए खाने के लिए, क्योंकि मैं आजकल काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ खाने के लिए। तो मैंने बनाया थोड़ा सा कटहल और इसी बीच मेरी निगाह पड़ी मौसम पर जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा था, तो हमने सोचा थोड़ा कैप्चर कर लूँ। अब मैं जा रही हूँ तैयार होने एंड आप देख सकते हैं ये आउटफिट भी मेरा ही डिज़ाइन किया हुआ है, मुझे ड्रेसेस डिज़ाइन करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरी आई थिंक आपको पूरा नहीं आ रहा होगा लेकिन ये पूरी फ्रॉक लुक है वेट। अब शायद आपको दिखाई दे रहा हो फुल, सो आई एम कीपिंग माई हिजाब। अलीगढ़ में है और हिजाब ना करें ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये अलीगढ़ का कल्चर है हिजाब, ज़्यादातर मोस्टली गर्ल्स मैंने देखा यहाँ पर हिजाब में रहती है। मैं पहले अपने घर पर इतना हिजाब नहीं किया करती थी लेकिन जब से मैं अलीगढ़ आई हूँ तो ट्राई करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हिजाब में, क्योंकि जो जहाँ का ट्रेडिशनल है अगर आप वहाँ का ट्रेडिशन फॉलो कर लो तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर होता है। बाकी सबका अपना अपना मिजाज होता है, खैर मेरा मिजाज ये है कि आप जिस शहर में जाए उस शहर का ट्रेडिशन फॉलो कर लें तो अच्छा लगता है। आप मुझे बताइए आपको कैसा लगता है बेसिकली मेरे ऊपर हिजाब। ओला मैं लगाने जा रही हूँ अपनी बेस्ट रिफ्टेंट, मैं बस सिंपल सिर्फ मैं अपना डॉट एंड की का ये वाटर क्रीम और सिर्फ लिपटिंट बस यही यूज़ करती हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ एंड सिंपल। बाकी और एक्स्ट्रा फाउंडेशन वगैरह मैं तभी प्रेफर करती हूँ जब कोई अकेज़न वगैरह होता है तब। सो फाइनली आई गॉट रेडी, ऑल सेटअप टू गो रेडी। मैं हिसाब में ठीक लगती हूँ ना, अच्छी लगती हूँ ना, अगर अच्छी लगती हूँ तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। सो आई विल ट्राई टू कीप हिजाब मोर एंड मोर। सो अब हम जाएंगे अमी निशा मार्केट से होते हुए कहाँ, चलिए देखते हैं कि हम कहाँ जाते हैं। बेसिकली इट्स अ सरप्राइज। सो फाइनली वी कैम हेयर, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में आती है, एंड मुझे नहीं पता था कि यूनिवर्सिटी इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी AMU आने के बारे में बट बिज़ी शेड्यूल के चलते हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था और हमें आज भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं पूरी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे से घूम पाती।
मुझ में और मेरे भाई में हमेशा लड़ाई होती थी। मैं कहती थी जामिया अच्छी है, बट वो बोलता था नहीं AMU ज़्यादा अच्छा है। एंड एग्जैक्टली AMU सच में बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, यूनिवर्सिटी है। इसकी जो फाउंडेशन रखी गई थी वो 1875 में रखी गई थी, जो कि सर सैयद अहमद साहब ने रखी थी। मैं आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने क्यों इतना बड़ा ड्रीम देखा, क्यों इतना बड़ा स्टेप किया। वो एक्चुअली लंदन गए थे ट्रिप पर, एंड वहाँ से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को उन्होंने देखा, एंड वहाँ से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इंडिया में भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी होना चाहिए। तो जब वो इंडिया आए एंड इंडिया में उन्होंने काम शुरू किया। आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इसका पैसा इकट्ठा किया गया, किस तरीके से, किस मशक्क़तों के साथ ये यूनिवर्सिटी बनी है। और फिर थोड़ा सा वक्त निकाल कर हमने थोड़ी सी अपनी वीडियोज़ शूट की एंड पिक्चर्स क्लिक करी। एंड इस सब के बाद हमने थोड़ा सा और अपना अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर किया, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास वक्त बहुत कम था एंड घूमने को बहुत सारा था। अगर हम क्योंकि आप यहाँ पर पूरा एक दिन भी घूमोगे तब भी आप नहीं घूम पाओगे, क्योंकि इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सबके अलग अलग म्यूज़ियम, ऑडिटोरियम और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे, जहाँ मैं नहीं जा पाई है। मैं तो अपने ई रिक्शा से ही एक्सप्लोर कर दी थी एंड उसमें ही थक गई थी। एंड फाइनली हमारी जो नज़र पड़ी वो एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी पर पड़ी, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने सिर्फ इसका सिर्फ पिक्चर्स देखी थी एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मेरी आंखों के सामने है। सो बहुत इट्स द ब्यूटी ऑफ अलीगढ़। एंड फाइनली हम आ चुके हैं अपने घर। मैं आपको अब ये नहीं बताऊँगी कौन सा मार्केट है, आप बोर हो चुके होंगे। एंड इतनी थक गई थी कि हमें भूख लगी, हमने खाई समोसे एंड फिर मैं अपने घर आ गई। नाउ आई एम कम हर घर। सो फाइनली हम घूम आए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी सच में काफ़ी अच्छी है एंड मैं ज़्यादा तो नहीं घूम पाई क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं था कि हम पूरी यूनिवर्सिटी अच्छे से घूम पाते। बट कोई बात नहीं, जितना भी घूमा ठीक था। अब इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट फिर आपको काफ़ी अच्छे से दिखाऊँगी। एंड चलिए इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। और दूसरी चीज़ ये, व्लॉग एंड करने से पहले एक रिमाइंडर है आप सभी के लिए, एक छोटा सा मैसेज। अभी मैं आ रही थी, वहीं से मैं वापस लौट रही थी, तो मैंने एक बच्चे को देखा जो कि रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा था। एंड मैं उसको देखती रही, वो बार बार पैर आगे बढ़ाए फिर पैर पीछे कर ले, फिर पैर आगे बढ़ाए फिर पैर पीछे कर ले। एंड मैं उसको ऑब्जर्व कर रही थी। फिर फाइनली उसने क्या किया, उसने अपने आइस को क्लोज किया और अपने हाथ को यूं करके बाउंड किया एंड देन तब वो वहाँ से निकला। का सीधा सा यही मतलब है कि कोशिश करते रहिए। देखिए, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं लाइफ में तो उसके लिए ट्राई करते रहिए, कोशिश करते रहिए, एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी आपको, बिल्कुल उस बच्चे की तरीके से। देखिए, अगर मेरी सिंपल सी बात है, अगर आप लाइफ में कभी फेल नहीं होना चाहते तो कभी भी कुछ ट्राई मत कीजिए, कभी भी कुछ नया मत ट्राई कीजिए। जब आप कुछ नया नहीं ट्राई करेंगे आप कभी भी लाइफ में फ़ेल नहीं होंगे। और दूसरी चीज़ ये कि जब इंसान फेल होता है तभी इंसान कुछ नया सीखता है, और जब इंसान गिरता है तभी जब उठता है ना तो स्ट्रॉन्ग बन के उठता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक बहुत अच्छी स्किल दी है, दैट इज़ चलने की। जो हमें पैर दिए हैं वो चलने के लिए ही दिए हैं, इनको रोकिएगा मत कभी। फेल हो या पास हो लाइफ में, हमेशा चलते रहिए, यही ज़िंदगी का नियम है और यही बड़ी कामयाबी है। बट चलने के साथ साथ अपने गॉड को, अल्लाह ताला को ज़रूर याद रखिए, जो भी फर्ज हैं उनको अदा कीजिए। जब आप अल्लाह ताला को याद करेंगे अल्लाह ताला आपको याद करेगा, है ना। तो बस इसी छोटे से मैसेज के साथ मैं अपने ब्लॉग को रैप अप करती हूँ। एंड हाँ, मैंने अपना लास्ट ब्लॉग किया था तो वहाँ पर कमेंट आया था, तो मैंने सोचा कि मैं अपने हर ब्लॉग में जो भी मुझे कमेंट अच्छा लगेगा तो मैं उनका नाम लूँगी। तो आज जो मैं शुरुआत करने वाली हूँ वो अपनी कज़िन के साथ, मिस शगुफी के साथ ही शुरुआत करूँगी। सो अगर आपको भी मेरा ब्लॉग अच्छा लगे और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका भी नाम लूँ तो प्लीज़ आप मुझे अच्छा सा कमेंट कीजिए, तो देन मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपका नाम लूँगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए एंड जस्ट अपनी मोहब्बत दीजिए। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाय बाय।